आज मैं बात करूंगा रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन पर। देखिए, एग्जाम में इस टॉपिक से 15 या 50 शब्द दोनों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 नंबर के लिए इस टॉपिक से अकेले क्वेश्चन आने की संभावना कम है। देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स, सिविलियन एंड मिलिट्रियल यूज, इंस्टीट्यूशंस डेवलपिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इन सबसे मिला के कंपोजिट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है 10 नंबर के लिए। बट इससे इंडिविजुअली 10 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होना चांसेस कम है, 15 और 50 शब्द के चांसेस ज्यादा है। ओके, अब देखिए, साइंस में जो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी थी वो बहुत बहुत ही महान डिस्कवरी थी। इसकी इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हो सकता है एग्जाम में इसे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पूछ लिए जाएं। तो सबसे पहले मैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिवील कर रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी के रिगार्डिंग। ओके, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर EMW में बताया था कि 1895 में विलियम कॉनरेड रोंजन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरेज की खोज कर डाली थी। एक्सरेज जैसी EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज कर ली थी। फिर 1896 में इसी एक्सरेज की प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी कर रहे थे हेनरी बेकरल। तो स्टडी करने के दौरान उनको पता चला कि रेडियो एक्टिविटी जैसा कोई फिनोमिना होता है। मतलब रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना की डिस्कवरी किसने की? हेनरी बेकरल ने। लेकिन वो इसको कोई नाम नहीं दे पाए। फिर इसको नाम दिया था मैरी क्यूरी ने। बेसिकली दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी पेरी क्यूरी, दोनों स्टडी कर रहे थे। बट द टर्म रेडियो एक्टिविटी वॉज कॉइंड बाय मैरी क्यूरी। ओके, लेकिन मैरी क्यूरी ये नहीं पता सकी कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अल्फा बीटा गामा जैसी रेडिएशन इमिट करता है। ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनसे अल्फा बीटा गामा जैसी रेडिएशंस इमिट होती है। ये बात बताई हमें रदरफोर्ड ने। फिर 1903 में हेनरी बेकरल और मैरी क्यूरी और उनके उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, इन तीनों को कंबाइंडली रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1903 में। ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब समझते हैं दूसरा कंसेप्ट। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मैटर है, ये डस्टर है, ये मैटर है, पदार्थ है, इसको आप तोड़ेंगे तो टूटेगा कंपाउंड्स में। कंपाउंड को तोड़ोगे तो टूटेगा मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तो टूटेगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स को तोड़ोगे तो टूटेगा एटम्स में। तो डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, लेकिन वो फर्दर डिविजिबल नहीं है। ओके, लेकिन बाद में डाल्टन की इस थ्योरी को फेल किया गया और बताया गया कि जो एटम है वो फर्दर डिविजिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। एटम में न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ओके, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्पसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अक्सर लोग गलती करते हैं, प्रोटॉन की खोजकर्ता को रदरफोर्ड बता देते हैं। रदरफोर्ड नहीं है, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने, जबकि रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस नाभिक की खोज की थी एटम में। ओके, इसको याद करते का क्या है? इथ पग नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, थे मतलब जे थॉम्पसन, पै मतलब प्रोटॉन, गे मतलब गोल्ड स्टीन, नाच ने मतलब न्यूट्रॉन, चै मतलब चैडविक। ओके, अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना एग्जैक्टली क्या है। ओके, देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक कंसेप्ट समझिए। जब हम लोग कॉलेज पास आउट होके रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में बाहर निकलते हैं, जब कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रयास करते हैं, तो जब सफलता नहीं मिल रही होती है तो फ्रस्ट्रेशन आता है हमारे अंदर। हम अनस्टेबल होते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी आती है हमारे अंदर, और हम किसी की बात सुनते नहीं, हम स्टेबल, क्योंकि हम स्टेबल नहीं है। लेकिन जब नौकरी लग जाती है, चार पैसे जेब में आने लग जाते हैं, तो हम स्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी आना सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सो बेसिकली जो हमारी केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसमें जो लेड है, सीसा है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 82। तो 82 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, 83 से लेकर आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब अनस्टेबल नेचर के होते हैं। उनमें रेडियो एक्टिविटी जैसा फिनोमिना पाया जाता है। वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा जैसी रेडिएशंस निकालना चाहते हैं, और उसको निकाल करके वो स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी उनको कैसे मिलेगी? जब वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस इमिट करते करते लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, 82 लेड जैसा एटॉमिक नंबर ले आएंगे। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी उस फिनोमिना का नाम है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि अनस्टेबल है, वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा जैसी रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली इमिट कर रहा है, इमिशन कर रहा है उनका। ओके, और वो चाहता है कि वो स्टेबिलिटी पे कन्वर्ट हो जाए।
लेकिन और जो ये अल्फा बीटा गामा जैसी रेडिएशंस इमिट कर एक्सपोज हो रही है, इमिट हो रही है उसके अंदर से, उन पर टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दिस इज रेडियो एक्टिविटी। ओके, अब इसमें हम समझते हैं कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रेज बताई थी उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है 50 शब्द के लिए। देखिए, जो अल्फा रेडिएशंस होती हैं उसको हीलियम आयन भी कहते हैं। ओके, जो बीटा रेडिएशंस होती है उन इसको हम बेसिकली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के न्यूक्लियस से निकल रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट है गामा रेडिएशन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है एक तरह से। ओके, जो अल्फा रेज होती हैं इनको ये इनको हम हीलियम आयन कह रहे हैं, 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 2 का मतलब एटॉमिक नंबर, H का मतलब एटॉमिक मास है। हीलियम एक इनर्ट गैस भी होती है। ओके, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये, और जो अल्फा वेव्स हैं रेडिएशन हैं उनका जो मास है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इन पर जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी का 1/20 हिस्सा होती है। ओके, और इनकी जो आयोनाइजिंग कैपेसिटी होती है सबसे मैक्सिमम होती है अल्फा आयन की। ओके, वही इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है सबसे मिनिमम होती है। रदरफोर्ड ने बेसिकली अल्फा बीटा गामा रेज का जो क्लासिफिकेशन था वो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर के बेसिस पे दिया था। सो अल्फा जो रेडिएशन है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। ओके, इसीलिए इनको आप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर सकते, रेडियो थेरेपी में इनको यूज नहीं करते हैं क्योंकि पेनिट्रेशन पावर ही नहीं है, लेकिन इनकी आयोनाइजिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है। मतलब अगर आपने रेडियो थेरेपी में इसको यूज किया तो नॉर्मल टिश्यूज को किल करेंगी, नॉर्मल टिश्यूज को नुकसान पहुंचाएंगी। ओके, नेक्स्ट, जब हम इन 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 रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो डेविएट हो जाती हैं, अपने रास्ते से भटक जाती हैं। ओके, वहीं जो बीटा रेडिएशंस हैं ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्योंकि इनका ये नेगेटिव चार्ज होती है और जो इलेक्ट्रॉन जैसा इनका मास होता है। ओके, इनकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी का 9/10 होती है। इनकी आयोनाइजिंग कैपेसिटी मॉडरेट होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी मॉडरेट होती है, और ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है। नेक्स्ट है गामा रेज। गामा रेज बेसिकली क्या है, फोटोन्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही एक तरीके से। ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज इनका कोई मास इनका नहीं होता, जैसे कि मैंने EMW में बताया था। ओके, इनकी वेलोसिटी बिल्कुल लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। इनकी जो आयोनाइजिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है, मतलब ये नॉर्मल टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर आप इसको कैंसर की रेडियोथेरेपी में यूज करेंगे तो ये इतना नॉर्मल टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ओके, लेकिन जो इनकी पेनिट्रेशन पावर है सबसे मैक्सिमम होती है, इसलिए तो हम इनको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से इनको पास करने पर ये डेविएट नहीं होती है। डेविएट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इन पर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई मास ही नहीं है इनका, तो डेविएट होने की संभावना ही नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशन पे, इसकी एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ देखते हैं। ओके, पहली इसकी एप्लीकेशन है कार्बन डेटिंग में या कार्बन आइसोटोप डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या है, जिसमें हम किसी प्लांट्स की या एनिमल्स की जो फॉसिल्स हैं उनकी क्रोनोलॉजिकल एज का पता लगाते हैं, या जो हमारी जो पृथ्वी है, चट्टान है, रॉक्स है, उनकी एज का पता लगाना कार्बन डेटिंग कहलाता है। देखिए, जनरली क्या होता है, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें कार्बन 6C12 भी है और 6C14 भी है। ये कार्बन का आइसोटोप है, 6C12 और 6C14। ओके, लेकिन जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो 6C14 है ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है इसका डीके होने लगता है। इसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं और डीके होकर के ये कम होने लगता है। इसकी जो टी हाफ है इसकी अर्धायु होती है 5,570 वर्ष, यानी कि 5,570 वर्ष बाद किसी फॉसिल में C14 की जो अमाउंट है वो आधी रह जाएगी। तो इस बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि 6C12 और 6C14 का अनुपात कितना है, उस अनुपात के बेसिस पे उसकी क्रोनोलॉजिकल एज का अनुमान लगा लिया जाता है। सो 6C14 एंड 6C12 और 6C14 का जो रेशियो है ये पता इससे हम पता लगाते हैं प्लांट्स, एनिमल, फॉसिल्स की क्रोनोलॉजिकल एज की। ओके, नेक्स्ट है यूरेनियम 238 जो आइसोटोप है, इससे हम पृथ्वी या किसी चट्टान की आयु का पता लगाते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज का पता लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इनका यूज है न्यूक्लियर मेडिसिन में।
न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में बता चुका हूँ, कैंसर सेल्स को मारने में कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं इसमें रेडियोथेरेपी में। ओके, न्यूक्लियर मेडिसिन में हम यूज करते हैं आयोडीन 131 आइसोटोप, जो कि ग्वाइटर और हाइपर थायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में काम आता है। ग्वाइटर मतलब घेंगा और हाइपर थायराइडिज्म जो प्रॉब्लम होती है, बेसिकली महिलाओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है बेसिकली, तो उसके ट्रीटमेंट में हम आयोडीन 131 जैसे आइसोटोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ओके, फास्फोरस 32, इसको बोन डिसऑर्डर हड्डियों से संबंधित रोग के उपचार में यूज करते हैं। स्ट्रॉन्शियम 90, इसको स्किन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और सोडियम 24, इसको ब्लड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स होते हैं या ऑयल पाइप्स होते हैं, तेल के पाइप होते हैं, उनको लीकेज का पता करना है तो भी आप इन रेडियो आइसोटॉप्स को यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डेटिंग को 15 शब्दों या 50 शब्दों समझाइए, या फिर रेडियो एक्टिव एप्लीकेशन में कौन कौन सी न्यूक्लियर मेडिसिन यूज करते हैं, किन्हीं दो या किन्हीं चार मेडिसिन के नाम लिखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आपको ये चीज याद रहनी चाहिए एप्लीकेशन में। ओके दोस्तों, कैंसर मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज भी है कैंसर। और जिस तरह आज आप इन दिनों अखबार में पढ़ रहे हैं ना कि जो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किस तरह छापे मार रहा है, नकली घी पकड़ रहा है, नकली खाना पकड़ रहा है, कुछ जगह तो सॉफ्ट स्टोन से पनीर बना रहे हैं। सो जितना हम बाहर का खाना खाते हैं, आज जैसे कहते हैं ना बिल्कुल अशुद्ध खाना खाते हैं, वो कैंसर लोगों में बहुत दे रहा है। क्योंकि कैंसर जो है केमिकल्स की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर आप किसी केमिकल के एक्सपोजर में आ रहे हैं या किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए जो कैंसर है, वो एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज का हमारा एग्जाम्पल है। इससे बचे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, और जो कैंसर है उसके लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में काफ़ी दवाएं इसमें अब शामिल कर दी गई हैं, दवाएं सस्ती भी हो गई हैं। और जो कैंसर आपकी नॉन कम्युनिकेबल और लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैंसर पे नोट्स तैयार करिएगा, हो सकता है एग्जाम में कैंसर पे क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।